अच्छा आज हम आपको वॉच लेडी के फीचर्स बताएंगे। ये बेसिकली हमारी 15 बाय 9 फीट की एक वॉच है जिसके अंदर हम दो किस्म की दो टेक्सचर्स की लसानी शीट्स यूज कर रहे हैं एमबीएफ, जिसके अंदर हम एक ग्रे टेक्सचर के साथ ब्राउन का हम उसमें यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने उसको 2 mm की थिकनेस की उसमें एक झरी रखी है मेन, जिसको हमने ब्लैक पेंट किया है। मेन जो इसका पर्पज था इस दीवार पर क्लैडिंग करने का वो ये था कि इसके पीछे हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है पूरे घर का जिसको हमने हाइड करना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्रूट पैनल की मदद से ये दो जो है आपकी ये पैनल्स हैं जो कि ओपन हो जाते हैं और आपके जो पूरे घर का है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो कि आपके रूम की बहुत सारी एस्थेटिक्स को डिस्टर्ब करता है, उसकी डिजाइन थिंकिंग को खराब करता है, तो उसको छुपाने के लिए हमने इसको बेसिकली इसको वॉल क्लैडिंग में ले आए ताकि इसका प्रॉपरली फंक्शन भी मेंटेन हो और हमारे पास हमारे रूम की जो ब्यूटी है या जो भी उसकी एस्थेटिक्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसी के साथ ही ये हमारे पास स्टेयर के नीचे भी एक स्टोरेज जगह आ रही थी जो कि अभी कंस्ट्रक्शन मतलब फेज में ही है, प्रॉपरली अभी कंप्लीट फर्निश नहीं हुआ। इसको भी जो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको भी हम प्रॉपरली क्लैडिंग में लेके गए हैं। इसको भी हम इस तरह एक पोस्ट से हम ऑपरेट कर रहे हैं और उसको हम एज ए स्टोर हमारे पास ये सारी जगह इस्तेमाल हो रही है। आप एक ही टाइम पर मजीद कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए।